वो इसीलिए आता था कि हिंदुओं को जाति में विभक्त करे। आज हिंदुओं का एक सांसद ऐसा नहीं होगा जो हिंदुओं के पूर्ण बहुमत से जीत करके आता हो। आज 200 ऐसी संसद क्षेत्र चुन रखे जहां से मुसलमान प्रभावित करते हैं उनके संसद को। कल मीडिया में बैठकर माजिद मेनन बोल रहा था कि हमारे पास 200 ऐसे सांसद हैं जिनको हम जिता सकते और हरा सकते हैं। इस भारत में, जिस भारत में मुसलमानों ने टुकड़े करवाए देश के, किसने टुकड़ा करवाया? जैनों ने, सिखों ने, पारसियों ने, यहूदियों ने, बोलो किसने करवाया? क्यों करवाया? वो बोले हम हिंदुओं के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। तो क्या हुआ? वो यहां से टुकड़ा लेकर के चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? हमारे देश के कुछ दोगले लोगों ने, हमारे देश की एक डर्टी पॉलिटिक्स ने, हमारे देश की सत्ता की लोलुपता में डूबे हुए मदमस्त राजनीतिक कालनेमियों ने क्या किया? अय्याशियों में डूबकर देश के टुकड़े करवा दिए और बाकी के बचे हुए आतंकियों को हमारे यहां पनाह दे दी। आज क्या हो रहा? हिंदुओं का हर त्योहार डिस्टर्ब कौन करता है? होली का जुलूस किसकी वजह से रुक जाता है? रंग पंचमी का जुलूस किसकी वजह से रुक जाता है? शौर्य यात्राओं में बाधाएं, डीजे कहां नहीं बजने देते? धूमधाम से निकल रहे जुलूसों को क्यों रोका जाता है मस्जिद के सामने? तुमने तो ले लिया ना अपना टुकड़ा, लेकिन फिर भी राम के मंदिर की जगह को छोड़ नहीं रहे पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी, आतताई, निष्ठुर प्रकार के लोग जो इस देश नहीं दुनिया पर धब्बा है, बकरे की औलादे, वो नहीं छोड़ रहे इस देश पर अपना हक। तुमको दे चुके ना भारत तोड़ करके, तुमको दे दिया ना एक टुकड़ा, हमने हमारी भारत माँ का हृदय हमारी छाती पर हाथ रख कर दिया ना, फिर भी क्यों नहीं मानते? अब बोलते हमको कश्मीर चाहिए, फिर बोलते बुलंदशहर चाहिए, फिर बोलते हैदराबाद चाहिए, तो क्या सब ले लोगे? तो इसका इलाज क्या है? अनुशासन, संस्कार, जो बताते हैं कि हिंदुओं ने संगठित रहने का, कैसे रहने का, संगठित रहने का। लोग निकलते हैं तो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसे दिवाली पर प्रॉब्लम होती है, जिसे होली पर प्रॉब्लम होती है, जिसे सबरीमला पर प्रॉब्लम होती है, जिसे जल्लीकट्टू पर प्रॉब्लम होती है, जिसे हिंदू के छींकने पर, थूकने पर, मूतने पर, सब पर प्रॉब्लम होती है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी कांप जाता है। और चोरी को अगर सही से नहीं कांपा तो जज साहब सुन लो, अच्छे से कपवा देंगे। हम याचना नहीं अब रण करने आए, याचना तो कर लिया राम भक्तों ने। राम भक्तों का दिल कितने वर्षों से दुखा रहा है, ये कितने वर्षों से, सैकड़ों वर्ष हो गए, राम भक्त बलिदान बलिदान और बलिदान दिए जा रहे, लेकिन आतता ही है कि सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तो अब राम भक्तों ने क्या करना? संगठित होने का।